शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबसे पहले सबको। एंड हमारे आपको भी साथ आज हैं शुभकामनाएं। श्री विरल जी। ओके, सबसे पहले तो हम आपको आज बता दें कि वी आर गोइंग टू डू अ वेरी स्पेशल मैजिकल ब्यूटीफुल प्रोसेस। मेडिटेशन भी होगा और एक प्रोसेस भी होगा। एक स्पेशल हीलिंग कर रहे हैं जो आपके फाइनेंस को भी हील करेगा, आपके रिलेशनशिप को हील करेगा और आपकी मनी एरिया को हील करेगा। और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आपको दो तीन छोटी छोटी चीजें करनी है। ऑल दोज हु कैन एक्सेस, मतलब अगर आप टेरेस पे जाके ये लाइव शो लाइव देख सकते हैं तो आप वहां जाकर देखिएगा। मून की एनर्जी अगर आप मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली वो स्पेस में जाके करिए। आपके वहां से मून नहीं दिखता है तो इट्स ओके, आप इवन विंडो के पास यू नो फॉर सम टाइम आप वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए। बिकॉज कल का जो मून है इट्स अ ब्यूटिफुल मून एंड इट हैज द एनर्जी टू हील यू नो योर ये चक्रा कल का नहीं, सिस्टम। आज का मतलब मूड, आज का एक्चुअली शुरू आज से हो रहा है और कल तक रहेगा, मेरा कहने का मतलब वो था। बिकॉज आज रात से जो मून की एनर्जी होगी वो कल सवेरे आप ये भोर होने से पहले, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को। ऑल दोज हु वॉन्ट टू कीप अ सिल्वर कॉइन विथ यू, आप सिल्वर कॉइन रख सकते हो। और एक मैजिकल आपको एनर्जी हम दे रहे हैं, जैसे जैसे ही विरल जी चैंट करना शुरू करेंगे या जैसे हीलिंग स्टार्ट होगा, आप अगर अपने साथ एक क्रिस्टल वाटर बॉटल रख सकते हैं, क्रिस्टल या प्लास्टिक का, देखिए क्लियर हो, तो ये मून एनर्जी और इनकी जो स्पेशल चैंट्स हैं ये चैनल करते हैं एनर्जीज, तो वो एनर्जी चैनलाइज होकर ये आपके वाटर जो है ये चार्ज हो जाएगी। आप अगले दिन ये पानी को अपने घर पे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, आप थोड़ा पी भी सकते हैं, आप पूरा जो आपका फिल्टर है उसके अंदर आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। यू विल सी द मैजिक, आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो, मैं कितना भी बताऊं। तो बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत बता लिया, मैंने मून के बारे में भी समझा दिया, लेकिन मून को देखना जरूर, बिकॉज ये वाला मून जो है ना इट्स गोना बी अमेजिंग। आप देखिए अभी हम एक्चुअली हम मून को देख रहे हैं और देखते देखते आपको ये बता रहे हैं, बिकॉज द मून इज सो ब्यूटिफुल टुडे, टुनाइट, राइट? टुडे नहीं होता, टुनाइट होता है। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द ब्यूटिफुल मिस्टिकल मैजिकल हीलिंग एंड ब्यूटिफुल एंड दैट ब्यूटिफुल, उसको क्या कहते हैं, पवित्र, या दैट प्योर मेडिटेशन, नन अदर देन द मिस्टिक मास्टर हु इज गोना गेट इट फॉर यू फ्रॉम पी प्योर एनर्जी बाय श्री विरल मन। सिल्वर कॉइन रखना, पानी रखना, ये सब रख लेना, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द ब्यूटिफुल मेडिटेशन। सर आप शुरू करिए। मेडिटेशन शुरू करने से पहले दो तीन महत्व की बातें कर लेते हैं। पहला तो एक शक्कर का रिचुअल है जो आप शायद श्री ने लिख के भेजा होगा, कि आप खड़ी शक्कर आज पूरी रात जितनी हो सके उतनी रख दे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितनी भी आपने जो खरीद के घर पे लाई होगी वो पूरी रात चांदनी के सामने रख दे। इसके अंदर एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो पूरे साल उसको इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ी थोड़ी करके। अब आपको लगता होगा कि शरद पूर्णिमा हर रात हर साल आती है, हर साल का चांद एक जैसा होता है। नहीं, हर दिन का चांद अलग होता है। कभी कोई चांद दूसरी बार ऐसा नहीं आ सकता।
क्योंकि ये जो परिवर्तन चलते रहता है वो हर पल नया, हर पल बहुत सारी गूढ़ रहस्यों से भरा और ग्रह का ये जो प्रकाश है जो सूर्य से रिफ्लेक्ट होके हमारे चित्र पर अंकित होता है वो भी नया है। आप भी नए हो, प्रकाश भी नया है, चांद भी नया है, दिन भी नया है, पल भी नया है और जीवन की नई शुरुआत करने की ये एक ऐसी घड़ी है और एक ऐसा सीक्रेट चैंट मैं इसके अंदर आपको दूंगा। चंद्र भावनाओं का कारक है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। मैं मेरे से ज्यादा ज्योतिष शास्त्र सृष्टि अच्छा जानती हूँ, आप भी कोई अच्छे ज्योतिष को पहचानते होंगे और ज्योतिष विद्या के हिसाब से। लेकिन हम आपके एनर्जी में चंद्र की उस ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे। आपको चंद्र की शक्ति ज्यादा से ज्यादा ग्रहण और आपके जीवन में कहीं कोई कठिनाई है, कहीं कोई मुश्किल है पैसे को लेके, संबंधों को लेके, व्यवसाय को लेके या फिर हेल्थ को लेके, ये सारी कठिनाई मैं अलग-अलग नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी कठिनाइयों को जन्म देती है, या ये कह लीजिए कि जहां पूरा प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है और जहां अंधकार है वहां हमें दिखता नहीं है, वहां प्रकाश की आवश्यकता है। ये चैंट आपको, एक ही चैंट पूरे दिल से, पूरे हृदय से ये चैंट आपको इतना पावर देता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि जैसे ही ये मेडिटेशन खत्म हुआ बस मेरे सारे प्रॉब्लम ऐसे चले गए। इसे मैं विशफुल थिंकिंग कहता हूं। इसे मैं ये कहता हूं कि मैजिकल एक घटना से जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि रात से जब सूरज उगता है तो ऐसे ही कोई स्विच ऑन करे और सूरज निकल जाए ऐसा नहीं होता। 4 बजे से धीरे 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 परिवर्तन होने लगता है। 5 बजे आभास होता है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, फिर आप आकाश को देखेंगे, वातावरण को देखेंगे तो आपको समझ आ जाता है कि नहीं बस अब सूर्य आने वाला, और सूर्य आ जाता है। यही तरीके से जीवन में परिवर्तन होते हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी परिवर्तन समय के अनुकूल हो, समय से चलते हुए उसका हर एक का समय होता है। पल जब पक जाएगा तब टपक जाएगा, इस तरह से अचानक पल आता है, दिखता है और टपकता है ऐसा नहीं, उसकी यात्रा होती है।
आपके दुखों को भी जाने की यात्रा होगी, लेकिन वो यात्रा जल्दी होगी और आज से वो यात्रा शुरू। दुख को स्वीकारो, दुख से भागो मत और लड़ो मत। दुख से लड़ना बेकार है, उसमें सिर्फ शक्ति का व्यय होता है। लड़ाई करनी ही नहीं है दुख से, और भागना तो बिल्कुल नहीं। भागने से सिर्फ आपकी शक्ति खर्च होगी, लड़ाई करने से भी आपकी शक्ति खर्च होगी, मिलेगा कुछ नहीं। दुख को मित्र बना, साथ में रखो, और वो जल्द से जल्द परिवर्तित होगा। दुख एक ऐसा माध्यम है और ऐसा एक रास्ता है जो अंधेरे को मिटा के प्रकाश में जाने की गलियारों में आपको दुख ही लेके जाए। दुख ही वो दरवाजा है जहां आप ईश्वर से मिलने द्वार खटखटाएंगे और ईश्वर द्वार खोलेगा, और वो जब द्वार खोलेगा तब सारा अंधकार जीवन का मिट जाएगा, ये नहीं अनेक जन्मों का। अगर आप चांद को ठीक से देखेंगे हर रोज तो परिवर्तन होते ही रहता है, परिवर्तित होते रहते, लेकिन चांद जो है, जहां एक दिन ऐसा आता है कि पूरा अंधेरे में डूब जाता है, अपने को ऐसा लगता है, आपको या मुझे ऐसा लगेगा, हाँ चांद अंधेरे में डूब गया, डूबता नहीं, छुप जाता है, हमें नहीं महसूस, उसके ऊपर छाया होती है। आपके जीवन की समस्या भी ऐसी ही है, मिट गई, पूनम का प्रकाश है, आपको दिखता नहीं। उससे परिवर्तन करने का समय, और आज का दिन आपको एक ऐसी शक्ति से जोड़ेंगे जहां से कई जन्मों के दुख, कई जन्मों की यातना, बहुत सारी कठिनाई जो भी आप झेलते हो, एक पुकार, एक ऐसी पुकार जो गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र के सरदार ने, उसका पैर जब मगरमच्छ के मुंह में फंस गया, तब ईश्वर को जिस भाव से उसने पुकारा था, उन मंत्रों को याद किया था, उसकी पुकार, उसकी भाव को सुन के ईश्वरीय शक्ति जैसे आई और गजेंद्र का पैर मगरमच्छ के मुंह से निकल गया, तो बच गए। ऐसी पुकार, ऐसी अंदर से आवाज उठनी चाहिए। आपके कोई भी दुख के लिए ईश्वर को पुकार के देखिए, वो हाजिर हो, वो जरूर आएगा। हंड्रेड परसेंट आएगा, और उसको बुलाने का रास्ता, उसको बुलाने का एक चैंट हम इसमें देने,
इस मेडिटेशन में तैयारी कर लीजिए। कैसे करेंगे? लेट जाइए, चांद को देखिए, चांद को महसूस कीजिए। अगर आप समुद्र के आसपास हैं तो तट पे लेट जाइए। अगर आप नहीं हैं तो टेरेस पे चले जाइए। ये भी संभव नहीं है, आपके बंद घर में बंद दरवाजे में बैठे हैं, सो जाइए। और आपकी जो छत है, सोचिए कि ये छत को पारदर्शकता से आप चांद को देख रहे हैं। उठ के एक बार सिर्फ चांद को देख लीजिए और फिर लेट जाइए। फिर उस चांद को मन में देखते रहिए। अब तैयार हो तो लेट जाइए। और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही, अंदर जा रही है, बाहर आ। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, महसूस करें। और तीन चीज महसूस करनी है सांसों के माध्यम से। एक है सांसों की गर्मी, जब वो अंदर जाती है तो आपके नोज के आसपास टच करती है तो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, जब वो बाहर आती है तो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसे महसूस कीजिए। दूसरा, आप उसे महसूस कीजिए कितनी अंदर जा रही, गले तक जा रही है, छाती तक जा रही है, पेट तक जा रही है या उसके नीचे जा रही है, नाभि चक्र को टच करती है, मूल चक्र को टच करती है। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ देखना है, सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ विटनेस करना है। तीसरा, उसकी गति को महसूस कर, कितनी है गति, कितनी सांसें चल रही। और देखिए, जब ये तीनों चीज आप ऑब्जर्व करते हो, विटनेस करते हो, तो कितना परिवर्तन आता है, बदलाव आता है कि नहीं आता है? बदलाव आता है तो कैसा आता है? धीरे धीरे आता है, चल रहा, बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और इसी विटनेसिंग, धीरे से मेरे तीन कहने पर अपनी सांसों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कीजिए। एक, आपका शरीर संपूर्ण शिथिल और जैसे एक पत्थर की मूरत हो, जैसे जम जाए पूरा। दूसरा, आपके मन के विचार और आपके भाव इस तरह स्थिर हो जाए कि जैसे समुद्र में बर्फ जम गया और समुद्र के तूफानी मोजे लहरें शांत हो जाए। तीसरा, जब आप सांसों को अंदर लेके जाते, तो आप सिर्फ अपनी सांसों को अंदर जाता हुआ देखिए, आप उसके साथ चल रहे हो। आप अपने आप को अपने लंग्स में महसूस करो, उसमें चल रहे परिवर्तन को महसूस करो, अपने हार्ट में जाके देखो, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसे देखो, उनका आना और जाना, शुद्ध होना, किडनी में पानी का, खून का आना जाना, शुद्ध होना,
मस्तिष्क में जाके देखो कैसे इलेक्ट्रिक करंट्स इधर से उधर पास हो रहे हैं। पूरे मुंह से लेके गुदा तक जो अपना गट है वहां पूरी प्रक्रिया को महसूस करो, कैसे खाना अंदर जाता है, कैसे वो रस में परिवर्तन होता है, कैसे उसमें से खून बनता है, खून में से मसल्स बनता है, सब देखो। और हर जगह वेस्ट कैसे शरीर बाहर निकालता है और जरूरी चीजों को ग्रहण करता है और आपके शरीर में तेज उत्पन्न करता है, आपके बोन्स, आपकी स्किन, आपकी नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम आपके अंदर के संबंधों के बारे में आपको सूचना देती है, ब्रेन को एक बाहर से आती हुई चीजों के बारे में सूचना देती है। और ये सारी चीजें आपके थाइमस और हाइपोथैलेमस के इफेक्ट होती है। हाइपोथैलेमस जिससे आपके शरीर का उष्णतामान यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। कुदरत ने ये ऐसी अद्भुत व्यवस्था बनाई है जहां सब अपने आप चलता है और आपके पूरे शरीर में से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके अपने हृदय में लाइए और हृदय के बाहर उसे गोले में, प्रकाश के गोले में महसूस करता हुआ देखिए। और ये गोला तेजी से बढ़ता और तेजी से गति करता, उसका बढ़ना और गति करना एक साथ चलते रहता है और आप उसे जितना देखते हैं उतना वो बढ़ता है और गति करता है, और जितना वो बढ़ता है और गति करता है आपकी दृष्टि उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। ऐसे करते करते वो इतना बड़ा हो कि आपको पूरी तरह से अपने प्रकाश में घेर लेता है और आपकी ऊर्जा के साथ आपको अंतरिक्ष में आपका प्रवास शुरू, और आप महसूस करते हो कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हो। चंद्र बहुत नजदीक है, सीधा चंद्र के आसपास आते हुए अपने आप को महसूस करते हुए, उसके प्रकाश को महसूस करते हुए, और जैसे आप उसके प्रकाश में स्नान कर रहे, पूरे शरीर के एक एक छिद्रों में से उनका प्रकाश आपके अंदर बहता है और आपका हर अवयव, हर अंग, हर सेल, एक एक बाल तक उसके प्रकाश से भर जाता है। जैसे आपका शरीर कोई कंटेनर है और चंद्र का प्रकाश आपके अंदर भरता, आप अपने आप को जहां बैठे हो वहां देखते हो और बहुत ही अपने आप को छोटे महसूस करते हो। धीरे धीरे चंद्र का प्रकाश जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ते जाता है आपका कद भी बढ़ता है और आप विशाल हो जाते हो। धीरे धीरे आप सीधा चंद्र को देख पाते हो, आपका पैर पृथ्वी पे है लेकिन चंद्र को आप देख पाते हो, आपके सामने है चंद्र। फिर धीरे धीरे चंद्र का प्रकाश आपके चेहरे पे है, आपके गले पे है, और लंबे चंद्र का प्रकाश आपके हृदय पे आता है। धीरे धीरे करके आपके चंद्र का प्रकाश आपके नाभि चक्र पे, उसके बाद स्वाधिष्ठान पे आता है। स्वाधिष्ठान पे यानी कि नाभि चक्र से चार उंगली नीचे, ये चक्र सेकरण चक्र भी कहते हैं। यहां आपके इमोशंस और आपके भाव आप महसूस करते हो, नवरस को महसूस करते हो, और जैसे समुद्र में उछाल आता है आपके नवरस पूरी तरह से जागृत होते हैं और यहां आप अपने
में इस चक्र को चंद्र से मिला लेते हैं। और एक चैंट हम यहां करेंगे, नौवा, श्री 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 चंद्र की सारी शक्ति ऊर्जा अपने अंदर समा के पूरे चंद्र को आप चारों तरफ से देख रहे हो। चंद्र का एक भाग अंधकार में है, एक भाग प्रकाश में। इस दोनों ऊर्जा को अपने अंदर समाविष्ट करके धीरे धीरे आप जहां हो वहां अपने आप को महसूस कर, और आपके नाभि चक्र से एक ट्यूब, प्रकाश की एक ट्यूब जाके चंद्र को मिलती है। अब यहां से चंद्र का और आपके नाभि चक्र का मिलाप होता है, और यहां एक चैंट हम करेंगे। ये पुकार है आपकी सृष्टि को, ये पुकार है आपकी कष्टों को, कष्ट से बाहर निकलने। ये अर्जी है, ये कमांड है, ये जिजीविषा है। बस अभी आपको किसी भी तरह इस कठिनाई से निकलना। जब तक अंदर से निकलने की इच्छा प्रबल नहीं होती, तब तक शक्तियां आपके साथ नहीं जुड़ती। अगर आपकी इच्छा कम हो, उसे बढ़ाइए निकालने। आपको आपके दुख में आनंद होता है, उस आनंद को पहले छोड़ दीजिए। दुख में रहने की आदत को छोड़िए, और दुख से निकलने का संकल्प करते हुए इस चैंट को सुनिए, महसूस कीजिए। लॉ बन्हा ला बन्हा ला बन्हा ला बन्हा
ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला। बनहा ला 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 बनहा ला। नुशरा ईला बनहा आशा प्रोसला ईला बनहा ई पास तोसला ईला बनहा ला बनहा ला बनहा इनोस्ता क्रू ला बन इमोस्त्रापु ला बन ईत्रुमसात ला बन अमोस्त्रु ला बन इंद्रुपोस्लो ला बन सूत्रु अकोस्लो इंद्रो ला बन ला बन ला बन ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला ला बनहा धीरे धीरे आपका शरीर और आपके चंद्रमा के अंतर में कमी होते होते चंद्रमा की तरफ आप खींच चले जाते या चंद्रमा आपकी तरफ खींचा चला। ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बनहा ला बन ला बन ला बन ला बन इस चैंट को आप हर पूर्णिमा को चंद्र से कनेक्ट करके दोहरा सकते हो। धीरे धीरे आप जहां हो अपने आप को महसूस कर। आपके सांसों को महसूस कर, आपके अंदर की ऊर्जा को महसूस कर। भाव और विचार के समुद्र में जो बर्फ जम गया है उसे धीरे धीरे पिघलता हुआ देखें। शरीर को थोड़ी सी हलन चलन, धीरे रह के सीधे से बैठ।
अपने हाथों को मसल के आंखों पे लग और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से बंद रखें और फिर उस चांद की ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। अपने मस्तिष्क के मध्य में, कपाल के मध्य में चांद को देखने का प्रयास करें। धीरे रह के अपने हाथ छोड़िए। ये चांदनी आपके सभी रूपों में प्रकाश करती है। ये चांदनी आपके शरीर में ऊर्जा भर दे। ये चांदनी उमंग भर दे। ये चांदनी खुशियां भर दे। ये चांदनी शक्ति भर दे। ये चांदनी आपके नव रसों को, आपके भाव प्रकट करने में आपकी सहायता करे। इसी चांदनी को महसूस करते हुए, इस ऊर्जा को प्रणाम करते हुए हम यहां हमारा ध्यान समाप्त करते हैं। और आपसे ये विनती करते हैं कि कुछ समय अपने साथ रहिए और इसी अनुभव को अगर आपको फिर से महसूस करना तो आज रात को फिर से एक दो बार इस प्रक्रिया को बार बार सुने और चंद्र पे अपनी नाभि से एक प्रकाशमय पाइप या ट्यूब भेज के ला बनाकर चैंट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विद्या, बहुत आभार। और हम यहाँ विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस जो आपको एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन। थैंक यू।